Hi guys, this is N.K. Rao from Jinner Study Channel. Don't mother try to build up rational logical study. जी तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो आपको RRB ALP में पूछा है. जो ये RRB JEE का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसमें क्वेश्चन आने की संभावना है. इसलिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है JEE के जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं और ALP का जो स्टेज सेकंड था उसमें पार्ट बी था उसमें भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन बना था तो उन सभी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा. उसके अलावा मैं कुछ वीडियो बनाया हूं उससे भी टॉपिक रिलेटेड मैं MCQ डालता हूं जी. तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे देखिए जीनियर स्टडी चैनल पे आइएगा. आप प्ले लिस्ट वगैरह में सर्च कीजिएगा तो देखिएगा प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी का मिलेगा एक आपको प्ले लिस्ट मिलेगा जी. आप देख सकते हैं यहाँ से इसमें आपको हाँ ये रहा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से एक प्लेलिस्ट बना है उसमें 57 से 58 वीडियो लेक्चर डाले गए हैं जी. उसमें आप आइएगा तो पूरा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो है जो हमारे सिलेबस में सेल एंड बैटरी है जी. हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी RRB JEE का सिलेबस आया है उसको RRB JEE का सिलेबस जब देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉम्पोनेंट्स एंड मटेरियल में तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा मैग्नेटिक मटेरियल वगैरह है अंडरग्राउंड कॉपर है केबल है सेल एंड बैटरी है. तो सेल एंड बैटरी मैं यहाँ पे पहले से ही पढ़ा रखा हूँ जी. आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेलिस्ट में आइएगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा जी. आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेलिस्ट में आइएगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा. मैं एक बार दिखा देना चाहूँगा आप सबको ताकि आपको सर्च करने में दिक्कत ना हो. चलिए जी यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी का मैंने टॉपिक बनाया है जी. इलेक्ट्रिसिटी जो आपको मैं बात करूँ तो आपको जो फिजिक्स पढ़ना है पार्ट जो नॉन टेक्निकल पार्ट में पढ़ना है ये सभी ब्रांच को पढ़ना है वो यहाँ पे है जी. देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स डले गए हैं जी. सारे वीडियो डले गए हैं उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का पढ़िएगा. उसके बाद आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वाले हैं जिनको सेल एंड बैटरी पढ़ना है मैं इसी में कवर कर दिया हूँ जी. तो यहाँ से आप सेल एंड बैटरी पढ़िएगा ट्रांसफॉर्मर पढ़िएगा और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़िएगा. ये सब फिजिक्स के हीट एंड टेम्परेचर है जी. आपको वेलोसिटी है जो भी मतलब फिजिक्स का बेसिक लेक्चर है यहाँ पे मैं डाला गया है. ALP के प्ले लिस्ट में डाल दिया है उसको वहाँ से आप देख सकते हैं. डायोड का बेसिक है जी और ट्रांसफार्मर पढ़ा दिया गया है. सेल एंड बैटरी के बताया जाए जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मटेरियल में जो सेल एंड बैटरी चैप्टर है जो चार्जेबल नॉन चार्जेबल है उसको मैं यहीं पर करा दिया हूँ इसी प्ले लिस्ट में आकर आप देख सकते हैं जी. और यहाँ से आप आकर पढ़ लीजिएगा. उसके बाद वर्क पावर जो फिजिक्स का है तो इसका मतलब है कि पूरा ये जो लेक्चर है उसमें आप लोग सिलेबस के अनुसार मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ये भी पढ़ना है आपको. तो सिलेबस के अनुसार आप इसको पढ़ लीजिएगा मैं एक बार बता देना चाह रहा था. उसके बाद चलिए तो मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आइए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्ले लिस्ट मैं बना रखा हूँ. हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट मैं यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का प्ले लिस्ट में ले चल रहा हूँ. इलेक्ट्रॉनिक्स का प्ले लिस्ट में आप आके यहाँ देखिए जो RRB JEE और SSC है यहाँ पे आप देख सकते हैं जी. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का प्ले लिस्ट अलग है इलेक्ट्रिसिटी का अलग प्ले लिस्ट है और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग प्ले लिस्ट बना रखे हैं. यहीं पर इलेक्ट्रिसिटी भी है तो इस सब भी आप टॉपिक को आकर यहाँ पर पढ़ें और उसके बाद आज MCQ डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए डिस्कस करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए. तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जी. चलिए आते हैं हम लोग आज MCQ डिस्कस करते हैं जी. तो एक देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिस्टल 1 एंड क्रिस्टल 2 पिन नंबर ऑफ 8051. जो 8051 आपको IC है उसमें बताना है कि क्रिस्टल 1 और 2 जो पिन है वो कौन से नंबर पे पिन पे आता है जी. तो 18-19 पिन नंबर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्रिस्टल जो पिन नंबर 1 और 2 है वो किस में है जी. तो पिन नंबर 18 और 19 पे यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखा दे रहा हूँ जी. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में पिन नंबर 18 और 19 यहाँ पे देखिए क्या है जी. क्रिस्टल 1 और क्रिस्टल 2 कहाँ पे है जी. तो पिन नंबर 18 और 19 पे है जी. ये आपको 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम दिखा दिया मैंने. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि VCC किस पे है जी 40 पे है. तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था इससे ज़्यादा हम लोग न जानेंगे. अब 80 जैसे आपको माइक्रो कंट्रोल में बात की जाए माइक्रो प्रोसेसर में तो आपको 8085 और 8086 हम लोग पढ़ेंगे. 8051 ज़्यादा हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है जी. ठीक है तो आगे बढ़ते हैं.
अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो क्या है जी, क्वेश्चन नंबर टू कहते हैं फाइबर ऑप्टिक्स पावर मीटर हैव इनपुट फॉर अटैचिंग फाइबर ऑप्टिक्स कनेक्टर एंड डिटेक्टर कैप्चर। देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं उसमें इनपुट या आउटपुट पर कैप्चर किया जाता है, किसको किया जाता है जी, तो किसको किया जाता है, तो जो उसमें ट्रांसमिट होगा उसी को तो कैप्चर किया जाएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर आपको जो है, ऑप्टिकल फाइबर में क्या किया जाता है, लाइट रे क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है और डिटेक्ट भी किया जाता है। वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि ऑप्टिक फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर और डिटेक्टर में कैप्चर क्या किया जाता है, तो लाइट को क्या किया जाता है कि कनेक्ट डिटेक्ट किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर तीन कहते हैं, बोल रहा है विच अमंग फॉलोइंग हैज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमपी। तो एसएमपी का फुल फॉर्म होता है स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। क्या होता है जी स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, इसके बारे में जानना चाहेंगे तो यहाँ से ये एसएमपीएस का फुल फॉर्म देखते हैं जी। यहाँ पर दिखा रखा है स्विचिंग मोड पावर सप्लाई इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू कन्वर्ट पावर यूजिंग स्विचिंग डिवाइसेज। क्या करता है जी, पावर को क्या करता है स्विचिंग डिवाइसेज के थ्रू क्या करता है, टर्न ऑफ या टर्न ऑन करता है हाई फ्रीक्वेंसी पे, या पावर को क्या करता है स्टोर करता है जी, जब क्या होता है इंडक्टर और कैपेसिटर पावर सप्लाई में स्विचिंग डिवाइस इज नॉन कंडक्टिंग। जब स्विचिंग डिवाइस जब कंडक्टिंग मोड में नहीं रहता है, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहता है, तो क्या करता है इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या होता है पावर स्टोर करता है जी, ठीक है। और ये पावर को कन्वर्ट करता है जब डिवाइस क्या होता है ऑन ऑन या ऑफ होता है जब हाई फ्रिक्वेंसी पे। तो चलिए जी, तो एस एम पी एस का फुल फॉर्म क्या हो गया, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई आंसर हो जाएगा फोर। क्वेश्चन नंबर चार है, जस्ट दिस इज द इनपुट वोल्टेज स्पेसिफिकेशन फॉर यूपीएस चूज फ्रॉम द गिवन। देखिए अगर यूपीएस का स्पेसिफिकेशन जानने जाइएगा तो आपको क्या रहेगा, यूपीएस का एक वोल्टेज रहेगा कि कितना आउटपुट देगा, उसके साथ साथ रेगुलेशन रहेगा कि कितना वो वेरी कर सकता है जी वोल्टेज। तो यहाँ पर देखिए लिखा है रेगुलेशन प्लस माइनस 3%, यानी उसका वोल्टेज जो है प्लस माइनस 3 वोल्ट क्या कर सकता है जी, वेरी कर सकता है। तो आपको ये फोर नंबर जो है ईपीएस का क्या है जी, स्पेसिफिकेशन है। तो चलिए आगे इसको स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। तो ईपीएस का स्पेसिफिकेशन यहाँ पर देखिएगा, तो आप कहीं भी देखिएगा तो आपको ऐसे रहेगा कि वोल्टेज कितना दे रहा है, एक स्पेसिफिक वोल्टेज रहेगा, जैसे मान लीजिए इसमें 120 वोल्ट दिखा रहा है कि एसी क्या है जिसका आउटपुट है, और रेगुलेशन कितना है तो प्लस माइनस 3% है जी, और फ्रीक्वेंसी कितना है तो 60 हर्ट्ज है नॉमिनल, और या प्लस माइनस वेरी कर सकता है, यही स्पेसिफिकेशन है। तो अब हमको ऑप्शन में देख के बताना था कि इसमें कौन सा स्पेसिफिकेशन है जी, तो रेगुलेशन प्लस माइनस 3 वोल्ट क्या है जी, ये ईपीएस का इनपुट वोल्टेज स्पेसिफिकेशन दिखा रहा है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एलईडी का फुल फॉर्म पूछा है। देखिए एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। देखिए डायोड के और भी यूज क्या है, तो रेक्टिफायर में यूज किया जाता है, डायोड का वोल्टेज रेगुलेशन में यूज किया जाता है जी, वही रेक्टिफिकेशन हुआ, और डायोड के लाइट एमिटिंग डायोड में यूज किया जाता है, यानी लाइट एमिटिंग डायोड का मतलब क्या है जी, जब हमको फाइबर ऑप्टिकल फाइबर में जब लाइट को हमको रिले करना होगा जब भी, तो किससे किया जाएगा, तो लाइट एमिटिंग डायोड से किया जाएगा। अब फोटो क्या है जी, सेंसेटिव डायोड भी होते हैं जो इसको डिटेक्टर पे डिटेक्टर साइड में रिसीविंग साइड में यूज किया जाता है। तो डायोड के बहुत सारे एप्लीकेशन है, वो सब आप लोग डायोड चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आगे पूछ रहा है विच अमंग फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन जनरेट साइन वेव विथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। बोल रहा है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो साइन वेव जनरेट करता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड से। देखिए सीआरओ की बात की जाए तो सीआरओ क्या करता है जी, सीआरओ तो आपको क्या होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, जो आपको किसी भी एसी का उसका आप टाइम के साथ जो एम्पलीट्यूड वेरी करता है उसको बताता है, या फ्रीक्वेंसी के साथ बोल सकते हैं कि वेरी करता है वो बताता है जी। ऐसे ही डीएसओ भी है, एलसीआर क्या है जी, आपको ये मेजर करता है एलसी और आर की वैल्यू मेजर करता है मीटर। और फंक्शन जनरेटर क्या करता है, फंक्शन जनरेटर अपने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एसी वेव जनरेट करता है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शन जनरेटर हो जाएगा क्या करता है, जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या करता है जी, फंक्शन जनरेट करता है। डीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। डिजिटल ऑसिलोस्कोप क्या करता है, बोल रहा है कि स्टोर करता है या एनालाइज करता है कोई भी डिजिटल सिग्नल को जी। चलिए तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्लियर हो गया, फंक्शन जनरेटर करता है जी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द पीक टू पीक वोल्टेज फॉर एन एसी वोल्टेज विथ आरएमएस 220। देखिए अब यहाँ पे आइएगा तो 220 का आरएमएस वैल्यू दिया है जी, तो अगर पूछा जाएगा वीएम क्या हो जाएगा यानी पीक वैल्यू क्या होता है,
तो रूट टू टाइम्स ऑफ आरएमएस होता है, क्या होता है जी, पीक वैल्यू क्या होता है, रूट टू टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू। तो यानी इस 220 में रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 220 में रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 308 आएगा जी। क्या आएगा, 308 आएगा। यानी देखिए यहाँ पर रूट टू का वैल्यू क्या दिया जी, 1.4, यानी 1.4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 308 आ जाएगा जी। तो 308 हुआ मैक्सिमम वैल्यू। अब ये बोल रहा है पीक टू पीक, पीक टू का पीक में मतलब क्या जी, मैक्सिमम आपका 303 है और मिनिमम भी क्या है, -303 है। तो पीक से पीक कितना हुआ इसी का वैल्यू, तो 600 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 308 का दूना क्या हो जाएगा, 616। आप लोग अगर पढ़े होंगे एसी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है जी। क्लिपिंग ऑफ इनपुट एसी सिग्नल इज डैश डैश इज, अच्छा क्लिपिंग एसी सिग्नल के लिए अगर क्लिपिंग करना है तो क्या यूज करेंगे, डायोड। अगर आपको याद होगा तो डायोड का हम लोग क्लिपिंग एंड क्लैपिंग सर्किट में यूज करते हैं जी। क्लिपिंग एंड क्लैपिंग सर्किट में सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, डायोड से ही किया जाता है। तो डायोड सर्किट जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में ही क्लिपिंग और क्लैपिंग सर्किट बनाया जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन बनाया जाता है जी डायोड से, फिर से फाइबर ऑप्टिकल केबल में यूज किया जाता है, फिर से रेक्टिफिकेशन में यूज किया जाता है, डायोड को स्विचिंग में भी यूज किया जाता है। तो अलग अलग यूसेज हैं, उसको सबको ध्यान रखिएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ टाइप ऑफ काउंटर इज द लास्ट स्टेज ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर फीडबैक टू डी ऑफ द फर्स्ट स्टेज। देखिए ये बोल रहा है कि जो हमारा काउंटर होता है क्या होता है जी, बिट काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो लास्ट स्टेज जो शिफ्ट रजिस्टर का लास्ट स्टेज है वो क्या है जी, बैक टू द डी, यानी जो पहला स्टेज का जो डी है उस पर क्या किया जा रहा है, फिट किया गया है जी। तो ये कौन से काउंटर में होता है, तो मैं बता देना चाहूँगा कि ये रिंग काउंटर में होता है जी। तो अब रिंग काउंटर के अंदर ही कौन कौन से काउंटर आते हैं, तो आपको रिंग काउंटर के अंदर आते हैं जॉनसन रिंग आता है, वो सारे रिंग काउंटर हैं जी। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है जी, यहाँ क्यू बार क्या है जी, क्यू बार क्या है, फीडबैक हुआ है कहाँ पे, डी के ऊपर। ये क्या है जी, रिंग काउंटर है, ठीक है, जॉनसन रिंग काउंटर था ये। अब यहाँ देख लीजिए रिंग काउंटर है जी, यहाँ पे क्या है जी, क्यू बार आके क्या है इस पे गया है, जॉनसन रिंग काउंटर है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे रिंग काउंटर होते हैं जिसमें क्या है जी, क्यू ही फीडबैक हो जाता है। तो ऑप्शन क्या है, जॉनसन रिंग काउंटर। तो अब देखिए इसने क्वेश्चन में क्या किया है कि गलती कर रखा है, इसने जॉनसन भी दिया है और रिंग काउंटर को भी ऑप्शन में दोनों दिया है, तो ये ऑप्शन दो और चार इसका दोनों सही हो जाएगा, इन्होंने गलत दिया है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ फॉलोइंग कन्वर्ट ए फिजिकल पैरामीटर एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए कोई भी फिजिकल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसड्यूसर यूज किया जाता है। जब कम्युनिकेशन सिस्टम हमने पढ़ा था तो उसमें इनपुट और आउटपुट साइड पे ट्रांसड्यूसर होता है, वो क्या कहता है, किसी भी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कौन कर सकता है जी, ट्रांसड्यूसर। और इलेक्ट्रिकल से अदर फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है जी, तो ट्रांसड्यूसर ही करता है। तो इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर ही कन्वर्ट करता है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर पता ही आपको, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करता है। क्रिस्टल क्या करता है जी, ये आपको फ्रीक्वेंसी जनरेट करने में यूज किया जाता है। स्पीकर क्या करता है, तो आपको स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चलिए आगे बढ़िए। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ सेल फोन कॉम्पोनेंट। देखिए सेल फोन कॉम्पोनेंट पूछ रहा है जी। चलिए कम्युनिकेशन में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जो एंटीना होती है उसका हाइट किस पे वेरी करता है जी, तो फ्रीक्वेंसी पे वेरी करता है। तो यानी हाइट का हम लोग हाइट ऑफ एंटीना पढ़े हैं λ/4, यानी λ/4 होता है जी। तो एंटीना का हाइट यानी सेल फोन में क्या होता है जी, एंटीना बहुत छोटा होता है, यानी mm में होता है। अगर लेमडा की वैल्यू क्या होगी जी, बहुत छोटा होगा, यानी हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो लेमडा छोटा होगा, लेमडा छोटा होगा तो क्या होगा, एंटीना की हाइट क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो सेल फोन में एंटीना होता है, जो पहले आप लोगों को याद होगा कि जो पुराने जो सेल फोन आते थे उसके बड़े बड़े एंटीना होते थे, जो हमें दिखता था लगभग 5-6 इंच दिखता था। अब उसके बाद और छोटा होगा, उसके बाद अब और भी छोटा है, लेकिन आज के फोन में भी सेल फोन में क्या है जी, एंटीना है, लेकिन बहुत वो mm में है जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन आज भी है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो बोला है डेसिमल वैल्यू ऑफ हेक्सा 2A। देखिए हेक्सा डेसिमल में 2A की वैल्यू बताना है जी, डेसिमल में क्या होगा। तो आपको पता होगा कि हेक्सा डेसिमल से डेसिमल में कैसे आते हैं जी, तो इस वाले राइट वाले को क्या कर देंगे, 1 से गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे 16^1 से गुना करेंगे, उसके बाद रहता है 16^2 से गुना करते जी। तो ये क्या है, ये का मतलब 10 है, और 16 को 2 से गुना करेंगे, 16 × 2 = 32 और 10 = 42 हो जाएगा आंसर। अगर आप किसी को ये नहीं समझ में आया होगा कि हेक्सा डेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाइएगा, तो आपको बाइनरी कन्वर्जन लॉजिकल लॉजिकल जो
गेट्स हैं उस चैप्टर में ये पढ़ाया गया है उस टॉपिक में, तो आप वहाँ से जाकर कन्वर्जन देखिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिमुलेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिमुलेशन के लिए पी स्पाइस सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, पी स्पाइस। तो ये आपको याद करना है वाला, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है जी। और आपको पता है कंप्यूटर जो है अभी नॉन टेक्निकल पार्ट में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं जी। यूपीएस का देखिए, फिर से यूपीएस का आउटपुट स्पेसिफिकेशन आ गया जी। तो आउटपुट स्पेसिफिकेशन में क्या है, रेगुलेशन प्लस माइनस 3%। तो यूपीएस का आउटपुट स्पेसिफिकेशन और इनपुट स्पेसिफिकेशन सब क्या होता है जी, मेंशन होता है। और ये देख लीजिए दोनों क्वेश्चन क्या आ गया, दो बार आ गया जी इतने में। चलिए बीच ऑफ फ्लोइंग कंप्यूटर हार्डवेयर कंटेन ए लेजर। देखिए लेजर जो है आपको क्या होता है, कोई भी जो डेटा सीडी ड्राइव हो उस पर राइट करने के लिए हमको लेजर का यूज करना पड़ता है। वहीं पूछ रहा है फीच ऑफ फॉलोइंग कंप्यूटर हार्डवेयर कंटेन ए लेजर, तो सीडी ड्राइव है उसमें क्या होता है जी, लेजर होता है, जो लेजर की मदद से क्या करते हैं उस पर राइट किया जाता है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। टीवी चैनल फ्रीक्वेंसी असाइन टू बी 54 to 806 मेगाहर्ट रेंज ऑफ डिवीजन ऑफ टीवी चैनल। देखिए डिवीजन ऑफ टीवी चैनल, इसमें आपको याद करना पड़ेगा 64 और 68 होता है, तो 64 यहाँ पे आंसर हो जाएगा जी। आपको याद करना है टीवी चैनल, यानी आप जब NVF पढ़िएगा, जब कम्युनिकेशन में आप पढ़िएगा NVF, यानी इनडायरेक्ट जो फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन है, तो उसमें आपको आएगा ये टीवी चैनल के बारे में। तो चलिए वहाँ से कवर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जी, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले प्लेलिस्ट जब मैं कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर कवर होगा जी। 79 क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सॉन फिगर इज गिवन फिगर, बोला कि गिवन फिगर में कौन सा लॉ रूल रूल जी फॉलो हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं, तो केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ, फैराडे लॉ। देखिए ओम्स लॉ तो हर जगह दिख रहा है जी, वी इक्वल टू आई आर है, ठीक है, तो ओम्स लॉ तो लागू हुआ है, केवीएल भी लागू हुआ होगा जी, केसीएल हुआ है, केसीएल का तो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, फैराडे लॉ तो लागू नहीं हुआ, यानी केवीएल और ओम्स लॉ। तो अब देखिए, अब जब सर्किट की बात कर रहे हैं तो कौन सा लॉ इसमें लागू होगा जी, तो KVL लागू होगा, तो यहाँ पे हम KVL ऑप्शन करेंगे, ओम्स लॉ नहीं करेंगे जी। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि ओम्स लॉ 3-4 बार लगा है, इसलिए आंसर क्या होगा, KVL होना चाहिए। चलिए विच फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर इन टीपर 5 टाइमर। देखिए डिस्चार्ज जो जो चार्ज जो डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर है वो क्या करता है, उसमें कैपेसिटर होता है, और वो क्या होता है जो एक्सटर्नल कैपेसिटर जो डिस्चार्ज होता है तो क्या करता है जो टाइमर है उसको क्या करता है जी, स्टार्ट कर देता है। तो वही ऑप्शन पहला में है, टू स्टार्ट द टाइमिंग बाय डिस्चार्जिंग द एक्सटर्नल कैपेसिटर। तो डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर जो है 555 टाइमर सर्किट में वो क्या करता है, एक्सटर्नल कैपेसिटर को डिस्चार्ज करता है, जिससे टाइमिंग क्या होता है जी, स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, टू स्टार्ट टाइमिंग बाय डिस्चार्जिंग द एक्सटर्नल सर्किट। क्वेश्चन 19 में आते हैं, डार्लिंगटन पेयर किस लिए यूज किया जाता है, तो डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, और डार्लिंगटन पेयर आपको बताता है करंट एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें एक ट्रांजिस्टर के बाद क्या होता है जी, दूसरा ट्रांजिस्टर होता है जो क्या करता है कि एक बार जो एम्पलीफिकेशन हुआ रहता है उसको क्या करता है, फिर से एम्पलीफाई करता है। यहाँ पर डार्लिंगटन पेयर इन इलेक्ट्रॉन इस मल्टी ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन कर डार्लिंगटन पेयर। डार्लिंगटन कन्फिग्रेशन कमर्ली कॉलेज डार्लिंगटन पेयर इज ए कंपाउंड स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर डिजाइन मेड बाई टू बाई पोलर ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन सच वे डेट द करेंट एम्पलीफिकेशन बाई द फर्स्ट ट्रांजिस्टर इज फर्दर एम्पलीफाई बाई द सेकेंड वन। यानी जो एक बार एम्पलीफाई हो गया फिर से एम्पलीफाई किया जाता है, तो जिससे क्या होता है हाई करेंट एम्पलीफिकेशन मिलता है जी। यही डार्लिंगटन पेयर का कंसेप्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेंट एम्पलीफिकेशन आंसर हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। इनपुट इम्पिडेंस ऑफ आइडियल ओप एम्प, बात की जाए आइडियल ओप एम्प का जी, तो आइडियल ओप एम्प के बारे में जान लीजिए, जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वो हाई होता है, बैंडविड्थ गेन कितना होता है जी, इन्फिनिटी होता है, बैंडविड्थ क्या होता है इन्फिनिटी होता है अगर गेन 1 होगा तो, आउटपुट इम्पिडेंस क्या होता है जी, 0 होता है, CMRR यानी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है जी, इन्फिनिटी होता है, बैंडविड्थ क्या होता है जी, तो हाई इन्फिनिटी होता है, और इनपुट इम्पिडेंस अगर आइडियल की बात की जाएगी तो सारे केसेस अलग हो जाएंगे। यही आपको पूछ रहा है आइडियल ओप एम्प का, अगर प्रैक्टिकल ओप एम्प यानी ओप एम्प 741 IC की बात की जाएगा तो उसमें डेटा चेंज हो जाएगा जी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल ओप एम्प हो गया, यही आइडियल ओप एम्प पूछ रहा है। तो आइडियल ओप एम्प का सारे डेटा आप लोग याद कर लीजिएगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए तो बस आज के लिए यहीं पर रोकते हैं, थैंक यू सो मच, और चलिए
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।